साथियों, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका एग्जाम विधि परिवार में। आज स्टेट सीरीज के अंदर हम लोग आपको राजस्थान के अंदर लेके जाएंगे। राजस्थान को राजाओं का गढ़ भी कहा जाता है, राजस्थान को किलों का गढ़ भी कहा जाता है, राजस्थान के शहरों की अपनी एक अलग खूबसूरती है। तो हम लोग कुछ बातें राजस्थान के किलों के बारे में करेंगे, कुछ बातें हम लोग राजस्थान के प्रमुख शहरों के बारे में करेंगे, फिर हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, हम बात करेंगे राजस्थान की जीडीपी के बारे में, हम बात करेंगे राजस्थान की साक्षरता के बारे में, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड या आपको अवेयर करने से रिलेटेड हैं, वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करके आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की लोकेशन की, तो राजस्थान इंडिया के अंदर कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। आप देखेंगे इसकी जो सीमा है गुजरात से भी मैच करती है, इसकी जो सीमा है मध्य प्रदेश से भी मिलती है, इसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से भी मिलती है, इसकी जो सीमा है पंजाब से भी मिलती है, और इसकी जो कुछ सीमा है हरियाणा से भी मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ये नक्शे में कुछ इस तरीके से राजस्थान दिखाई देता है, ये राजस्थान का नक्शा है। और जो सीमाएं मैंने अभी आप लोगों को बताई वो आपके सामने लिखी हुई हैं। राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आप लोगों के सामने फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कलराज मिश्र इसके गवर्नर हैं राजस्थान के। अगर मैं बात करता हूँ इसके चीफ मिनिस्टर, तो इसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट हैं। राजस्थान के किलों के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेना चाहें, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा उदयपुर सिटी पैलेस, जो बहुत ही फेमस किला है यहाँ का। अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, उदयपुर सिटी पैलेस का एक फ़ोटो भी दिखाई दे रहा होगा। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे मशहूर और खूबसूरत भवनों में से एक है। यह उदयपुर शहर में पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो आप देखेंगे चित्तौड़ का किला आप लोगों को दिखेगा। तो इतिहासकारों के अनुसार इस ऐतिहासिक किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला भारत के विशालतम किलों में से एक है। पहले इस शहर को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे चित्तौड़ कहा जाने लगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों के अगले किले की, तो अगला किला आप लोगों को जैसलमेर का किला है। इतिहास फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इतिहासकारों के अनुसार जैसलमेर में स्थित इस किले का निर्माण 1178 में राजपूत शासक जैसल द्वारा कराया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाने के कारण दुर्ग के निर्माण का कार्य उनके उत्तराधिकारी सालीवाहन द्वारा पूर्ण कराया गया। जैसलमेर किला त्रिपुरा नामक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब 250 फीट है। अगर मैं बात करता हूँ अगले किले की, तो अगला किला है आपका आमेर का किला। यह किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह 4 वर्ग किलोमीटर का एक भव्य किला है। यह राजस्थान का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आमेर शहर मूल रूप से मीनाओं द्वारा बनाया गया था, और बाद में इस पर राजा मानसिंह प्रथम का शासन था। आमेर किला अपने कलात्मक शैली तत्वों के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ अगला, तो आपका राजस्थान के प्रमुख शहरों के बारे में अगर हम बात करें, तो राजस्थान के प्रमुख शहरों में सबसे पहले जयपुर आता है। जयपुर शहर भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। अगर अगले शहर की आप बात करते हैं, तो उदयपुर शहर इसका सबसे प्रमुख शहरों में आता है। उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूरब के बेनिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इतना याद रखें कि उदयपुर को पूरब के बेनिस के नाम से जाना जाता है, बाकी चीज़ें तो कोई याद रखने जैसी है नहीं। अब बात करें अजमेर की, तो अजमेर
जिले का मुख्यालय भी है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजयराज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का मूल नाम अजय मेरू था। सन 1365 में मेवाड़ के शासक, 1556 में अकबर और 1770 से 1880 तक मेवाड़ तथा मारवाड़ के अनेक शासकों द्वारा शासित होकर अंत में 1881 में यह अंग्रेजों के अधिपत्य में चला गया। अजमेर का ये सारा इतिहास है। अगर हम अगले शहर की बात करें तो अगला शहर जो है राजस्थान का वो जोधपुर है, काफ़ी फेमस शहर है। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की थी। इसकी जनसंख्या 10 लाख के पार हो जाने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया था। यह यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। आपने कई फिल्मों के अंदर इस शहर के बारे में देखा होगा शहर को। अगर हम बात करते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है और बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ तथा जौहर का गढ़ भी कहा जा सकता है। यहाँ 3 जौहर हुए थे। तो ये आपके लिए राजस्थान के कुछ किलों की और कुछ शहरों की जानकारी थी। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की साक्षरता दर की, तो राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता दर है वो लगभग 80% है और जो महिला साक्षरता दर है वो लगभग 53% है। आगे हम लोग बात करते हैं राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़, आप मान सकते हैं लगभग 7 करोड़ ही है, 6.86 करोड़, ठीक है। अगर मेल पॉपुलेशन की मैं बात करता हूँ तो लगभग 3.5 करोड़ मेल पॉपुलेशन है और 3.2 करोड़ राजस्थान के अंदर फीमेल पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान के अंदर किस किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो हिंदू धर्म की संख्या यहाँ पे 88.49, लगभग आप बोल सकते हैं 88% लोग यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं। अगर मुस्लिम धर्म की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 9% लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले रहते हैं। क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोग यहाँ पे 0.14% रहते हैं। बुद्धिस्ट मानने वाले लोग 0.02% यहाँ पर रहते हैं। अगर जैन परिवारों की मैं बात करूं तो 0.91% यहाँ पर जैन परिवार रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ GDP की, कि राजस्थान की GDP क्या है, तो राजस्थान की GDP 13.34 लाख करोड़ राजस्थान की GDP है। अगर GDP रैंक की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर राजस्थान GDP रैंक में 7वें नंबर पर आता है। राजस्थान का 2021 और 2022 के अंदर जो बजट था वो था 2,15,256 करोड़ रुपये। अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका वो जयपुर है। लोएस्ट पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वो जैसलमेर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फेमस इंडस्ट्री की, कि यहाँ पर किस किस तरीके की इंडस्ट्री है राजस्थान के अंदर। तो सूती वस्त्र उद्योग में आप देखें राजस्थान, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है। राजस्थान में सबसे पहले 1879 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना देशभक्त सेठ दामोदर दास ने ब्यावर नगर में की थी। यह राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। चीनी उद्योग की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर नगर में चीनी मिल द मेवाड़ सुगर मिल के नाम से 1932 में प्रारंभ की गई थी। सीमेंट उद्योग की अगर मैं बात करता हूँ तो सीमेंट उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ पर सर्वप्रथम 1904 में समुद्र सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ कांच उद्योग की, तो राजस्थान में कांच प्राप्ति के मुख्य स्थान जयपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर जिले हैं, जहाँ उपयुक्त रूप से कांच की प्राप्ति होती है। ऊन उद्योग की बात करूँ तो संपूर्ण भारत में 42% ऊन राजस्थान से उत्पादित होती है। इस कारण राजस्थान भर में कई ऊन की मिलें हैं, जिसमें स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर, जोधपुर ऊन फैक्ट्री, विदेशी आयात निर्यात संस्था कोटा इत्यादि हैं। ये यहाँ की फेमस इंडस्ट्री थी राजस्थान की। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की स्थापना की, तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च
1949 में की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। राजस्थान की लोकसभा सीटों की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। अगर आप राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो राजस्थान में 10 राज्यसभा सीट है, विधानसभा सीट इसके अंदर 200 है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, जिसकी लंबाई 1024 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर यह 322 किलोमीटर है। राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा। मैं आपको इसके आगे फोटो भी दिखाऊंगा। राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा है। ये राजस्थान की लोकसभा सीट 25, राजस्थान में राज्यसभा सीट 10, राजस्थान में विधानसभा सीट 200, ठीक है ना। आप देखें राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप बात कर रहे हैं राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा और ऊंट है, ठीक है ना, इस तरीके का चिंकारा दिखता है। राजस्थान के राज्य पक्षी की मैं बात करूं तो घोड़ावड़ इसका राज्य पक्षी है। राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में बोली जाती है, लेकिन गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी इसके कुछ बोलने वाले लोग आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान के लोक नृत्यों की, लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो घूमर नृत्य, ठीक है ना, चंग नृत्य, ठीक है ना, कालबेलिया नृत्य, ये सारी शैली हैं यहाँ पे, तेरा ताली नृत्य, चरी नृत्य, गेर नृत्य, ये सारी शैलियाँ हैं नृत्य की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। राजस्थान का सफ़र कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।